अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉप पर, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वायरिंग नॉलेज फॉर एल टू यूज। तो एज यूजुअल मैं सबसे पहले रेफरेंस बताती चलूँ, जो हर वीडियो में बताती आई हूँ, कि दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ SLA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, टेकन फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक इंट्रोड्यूसिंग SLA। और इस बुक का चैप्टर नंबर 6 है एक्वायरिंग नॉलेज फॉर एल टू यूज़ के नाम से। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम पेज 133 to 137। अच्छा, एक्वायरिंग नॉलेज फॉर एल टू यूज़, इससे क्या मुराद है कि एल टू को यूज़ करने की नॉलेज, ठीक है, वो नॉलेज जो कि ज़रूरी है एल टू को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट नॉलेज, फिर नॉलेज के अंदर हम इसके एकेडमिक फंक्शंस और इंटरपर्सनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज़ कॉम्पिटेंस एंड यूज़। अच्छा, कॉम्पिटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है, अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको पता लग जाएगा। कॉम्पिटेंस मीन्स एवरीथिंग दैट अ स्पीकर नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंस से मुराद है कि स्पीकर को वो नॉलेज जो स्पीकर को पता होनी चाहिए, और वो किस लिए पता होनी चाहिए, ताकि वो किसी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेट करे, और सिर्फ कम्युनिकेट ही ना करे बल्कि अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली और अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर ले। इसको कहा जाता है कॉम्पिटेंस या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि कॉम्पिटेंस से मुराद है नॉलेज, तो किस चीज़ की नॉलेज, किन चीज़ों की नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉम्पोनेंट्स, लैंग्वेज के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स यूज़ होते हैं उनकी नॉलेज, नॉलेज ऑफ लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के हर लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनकी नॉलेज, नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है इस बात की नॉलेज, इसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया इनके कल्चरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स की कल्चर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल्चर के नॉर्म्स को देख के ही लैंग्वेज प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है, जो कंटेक्स्ट हम बोल रहे हैं या जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसकी सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल सिग्निफिकेंस को जाने बगैर हम अप्रोप्रिएटली और प्रॉपरली कम्युनिकेट हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है। नॉलेज ऑफ कल्चर इंक्लूड्स कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब हम कहते हैं नॉलेज ऑफ कल्चर तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर चीज़ें आती हैं कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट, यानी कि कंटेंट जो हम बोल रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं, कंटेक्स्ट के उस जो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ है, एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स मतलब लैंग्वेज के जितने अंदर भी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डोमेन्स हैं, कल्चरल नॉलेज, लैंग्वेज यूज़, कंटेंट और कंटेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट या फिर अलग नहीं है, बल्कि दे आर इंटरकनेक्टेड। और ये क्या चीज़ें हैं, डोमेन्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के डोमेन्स हैं कंटेंट, कल्चरल नॉलेज, लैंग्वेज यूज़ और कंटेक्स्ट, ये पांच जो हैं वो डोमेन्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इंक्लूड्स प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, यानी कि कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से तो ये मुराद हो गया कि वो नॉलेज जो हमें पता लगनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट या प्रॉपरली कम्युनिकेट। अब बात करते हैं अबाउट प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, जब हम प्रैग्मेटिक बोलते हैं लैंग्वेज के अंदर तो इसका मतलब ये हो गया कि यूज़, ठीक है, प्रैक्टिकली यूज़ करना। तो एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इंक्लूड्स प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस से मुराद है कि वो एबिलिटी के जिसके ज़रिए हम लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं। अच्छा, तो कॉम्पिटेंस जो है वो नॉलेज होती है, जबकि प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस जो है वो एबिलिटी है, तो नॉलेज से ही एबिलिटी आती है। प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस मीन्स व्हाट पीपल मस्ट नो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एंड कन्वे मीनिंग विद इन कम्युनिकेटिव सिचुएशन, नॉलेज दैट अकाउंट्स फॉर द चॉइसेस दे मेक, द कंस्ट्रेंट्स दे एनकाउंटर इन यूजिंग लैंग्वेज इन सोशल इंटरेक्शन एंड अफेक्ट्स देयर लैंग्वेज हैज ऑन अदर पार्टिसिपेंट्स इन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस से मुराद है कि व्हाट पीपल मस्ट नो, वो चीज़ जो कि किसी बंदे को पता होनी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एंड कन्वे मीनिंग, मीनिंग को समझने और मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो चीज़ लाजमी है दैट इज़ प्रैग्मेटिव या प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस विद इन किसी भी कम्युनिकेटिव सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ पर जो है नॉलेज की बात आ रही है, ठीक है, व्हाट पीपल मस्ट नो, उनको पता होना चाहिए, जब जो चीज़ पता होती है उसको कहा जाता है नॉलेज। तो अब नॉलेज कौन सी नॉलेज, नॉलेज दैट अकाउंट्स फॉर द चॉइसेस दे मेक, वो नॉलेज की जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने चॉइसेस बनाते हैं।
चॉइसेस से मुराद है लैंग्वेज के अंदर के चॉइसेस, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, ये सारे जो है चॉइसेस हो गए। द कंस्ट्रेंट्स दे इनकाउंटर इन यूजिंग लैंग्वेज इन सोशल इंट्रैक्शन, और जो सोशल इंट्रैक्शन में किसी से बात करते हुए किसी से इंट्रैक्शन के दरमियान वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो बोलते किस तरह हैं या समझते किस तरह हैं। एंड इफ़ेक्ट्स द लैंग्वेज हैज़ ऑन अदर पार्टिसिपेंट्स इन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब बंदे कम्युनिकेट करते हैं तो कोई बंदा कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे से, तो उसकी लैंग्वेज का जो दूसरा पार्टिसिपेंट है जिससे वो बात कर रहे हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस में। रिलेशनशिप अमंग डोमेन्स इज़ डायनेमिक इंटरेक्टिव एंड कंस्टिट्यूटिव, ठीक है। इससे पहले के पेज में जो डोमेन्स थे उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है और कंस्टिट्यूटिव है। नॉलेज विद विच L2 बिगिंस इज़ प्रीवियसली एक्वायर्ड। जब हम L2 को समझने या एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो वो हम उस नॉलेज से उसको एक्वायर करते हैं जो हम जो नॉलेज हमें पहले से ही मिली हुई है। मतलब हम अपने L1 के नॉलेज को या हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए या हम अपने कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करते हुए L2 को सीखना शुरू करते हैं। तो मतलब ये कि L2 के बिगिनिंग पॉइंट में इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ होती है, या कॉग्निटिव स्किल्स या एक्सपीरियंस या फिर L1। ज़्यादातर तो L1 होता है क्योंकि L1 के ज़रिए ही हम L2 को समझने और उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एडवांटेज फॉर ऑल्डर L2 लर्नर्स। इस वजह से फिर जो है ना सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर जो ऑल्डर लर्नर्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक है, उनकी कॉग्निटिव स्किल ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो L2 के अंदर प्रोफिशिएंट है, तो इसलिए जो ऑल्डर L2 लर्नर्स हैं उनके लिए L2 को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है बनिस्बत उनके जो कि उनकी निस्बत ऑल्डर नहीं है या फिर छोटे हैं। इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन में नॉट रिजल्ट बेटर। अच्छा, तो मैंने अभी कहा कि L1 जो है उसके ज़रिए हम L2 को समझते हैं, तो बाज़ दफ़ा अगर हम इस चीज़ को, इस एबिलिटी को इनअप्रोप्रिएटली अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बाज़ दफ़ा करते हैं कि उर्दू को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, इवन वर्ड ऑर्डर भी चेंज नहीं करते, इवन टेंस भी नहीं चेंज करते, मतलब जैसे हम उर्दू में बोल रहे हैं उसके डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है ना कभी कभी ये चीज़ गलत हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारे L2 का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं होता है। तो बाज़ दफ़ा इसकी इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन से हमें इतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का फोकस इन तीनों क्वेश्चंस पे है कि व्हाट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज इश्यूज, लैंग्वेज यूज़, हाउ एक्टिविटीज़ इन L2 रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग आर अचीव्ड, व्हाई लर्नर्स रीच डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ पेज 133 टू पेज 137। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ एकेडेमिक वर्सेस इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। एकेडेमिक से मुराद है वो सारी चीज़ जो हमारी स्टडीज से, हमारे स्कूल से, हमारी यूनिवर्सिटीज से और हमारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है, और इंटरपर्सनल से मुराद है जब हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं या फिर हमारी इंटरेक्शन हो रही है तो वो जो इंटरपर्सनल वाली चीज़ आ जाती है। L1 के जो कॉम्पिटेंस है, L1 कॉम्पिटेंस रिलेट करती है वो लैंग्वेज के जो वो अपनी नेटिव कम्युनिटी के अंदर सीख रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, हमारी नेटिव लैंग्वेज, तो हम इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं अपनी नेटिव कम्युनिटी में, हम अपने बर्थ प्लेस में, अपनी मदर प्लेस में, हम हमारी जो नेटिव प्लेस है जिसको मदरलैंड कहा जाता है, हाँ मदरलैंड कहा जाता है, वहीं पर रहते हुए जो ना हम अपनी L1 की कॉम्पिटेंस को एक्वायर करते हैं। लेकिन L2 की कॉम्पिटेंस की जब हम बात करें तो चीज़ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि L2 जो है ना स्पेशली जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है हम अपनी जगह पर रहते हुए बाहर के किसी जगह की लैंग्वेज को सीख रहे हैं। सपोज़ हम अपनी जगह पर रहते हुए इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस को एक्वायर करना काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है L1 की निस्बत। और फॉरेन लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं या फिर क्यों एक्वायर करते हैं, फॉर एकेडेमिक पर्पज़, जॉब, ट्रेड या फिर पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, तो ये जितने भी पर्पजेज़ हैं या रीजंस हैं तो ये सारे जो है ना ये क्या करते हैं, दिस ऑल अफेक्ट द लेवल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज लर्नर, ठीक है। यानी कि सपोज़ कोई एकेडेमिक पर्पज़ के लिए इंग्लिश सीख रहा है तो उसकी इंग्लिश है वो ज़्यादा फॉर्मल होगी, नहीं अगर कोई सिर्फ ट्रेड के लिए सीख रहा है तो उसकी इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं होगी, बस कम्युनिकेटिव हद तक वो अच्छी होगी उसकी कम्युनिकेशन। इसी तरह कोई इंटरेस्ट के लिए सीख रहा है तो उसकी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी जो है ना लैंग्वेज लर्नर के अंदर आ जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रायोरिटीज़ फॉर L2 यूज़।
L2 यूज़ के अंदर किन किन चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की दो टाइप्स हैं जो कि हमें पता लगनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज़ फॉर L2 यूज़। और दो चीज़ें हैं एकेडमिक कॉम्पिटेंस एंड इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। एकेडमिक कॉम्पिटेंस से मुराद है नॉलेज नीडेड बाई लर्नर्स हु यूज़ L2 फॉर एकेडमिक पर्पज़। ठीक है, एकेडमिक कॉम्पिटेंस नाम से ही हमें पता लगता है कि वो कॉम्पिटेंस या वो नॉलेज जो कि उन बंदों को चाहिए जो कि L2 को एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जबकि इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि वो नॉलेज जो कि बंदों को चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर फेस टू फेस कंटेक्ट विद स्पीकर्स। ठीक है, फेस टू फेस इंट्रोडक्शन या ऐसी बातचीत के लिए जो चाहिए उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। एकेडमिक कॉम्पिटेंस का जो कंसर्न होता है वो वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस होता है, रीडिंग फ्लुएंटली पे ज़्यादा फोकस होता है। जबकि इंटरपर्सनल में जो है ना वोकेबलरी रिक्वायर्ड तो होती है लेकिन एकेडमिक की तरह जो है ना फॉर्मल और अच्छी और ज़्यादा वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वोकेबलरी की कम स्केल पर ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के अंदर ओरल L2 इनपुट, L2 की जो इनपुट मिलती है वो हमें ओरल फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जैसे टीचर लेक्चर देता है इसी तरह से जो है ना इंगेज इन एकेडमिक लिसनिंग, हमें फिर इस लेक्चर के ज़रिए हमारी क्या होती है, हमारी इंगेजिंग होती है इन एकेडमिक लिसनिंग। एकेडमिक जो स्पीच है या एकेडमिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो है हमारी लिसनिंग वाली स्किल इन्हेंस कर रही होती है। और फिर इसमें हमें एक चीज़ चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग। जब हम एकेडमिक के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हमारी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और फिर ये हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च, एग्जाम्स या फिर थीसिस। जबकि इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ सिर्फ लिसनिंग स्पीकिंग है, यहाँ पर कोई रीडिंग राइटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं होता है। एंड इट प्रोसेसेस या लैंग्वेज ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोसेस से मुराद है कि आप किसी से बात करें, सामने वाले बंदे ने बोल दिया, आपने समझ लिया, आपने आंसर कर लिया, एंड दैट्स इट। ठीक है, ऑनलाइन हो गया ख़त्म। जबकि एकेडमिक कॉम्पिटेंस में आप लैंग्वेज का जब आपको इनपुट मिलता है उसको समझें, उसको अपने जहन में बिठाएं, फिर उसको यूज़ करें, तो इसका जो प्रोसेस है वो काइंड ऑफ लंबा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना निगोशिएशन और मीनिंग, बस किसी से बातचीत करी, उनकी मीनिंग को समझ लिया, ये जो है ना फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और फिर इस तरह राइटिंग या रीडिंग पे जो है ना कुछ ही सिचुएशंस में फोकस होता है, ज़्यादा में नहीं, जब हम इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। जबकि एकेडमिक कॉम्पिटेंस में राइटिंग और रीडिंग पे सबसे ज़्यादा और हमेशा फोकस होता है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, तो अब बात करते हैं कि प्रायोरिटीज़ फॉर L2 यूज़। जब हम L2 को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अच्छा, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, अगर हम एकेडमिक पर्पजेज़ के लिए लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रीडिंग को, फिर लिसनिंग, फिर राइटिंग और आखिर में स्पीकिंग। जबकि हम इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को मिलेगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी लिसनिंग को, फिर स्पीकिंग को, फिर रीडिंग को और फिर राइटिंग को। तो यहाँ पर ना चेंजिंग, मतलब डिफरेंस आ रहा है प्रायोरिटीज़ के अंदर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो पहली चीज़ है वो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्कूल्स के लिए फॉर्मली समझते हैं, जबकि इंटरपर्सनल में बस आपने सिर्फ बातचीत करनी है, तो ज़्यादा फॉर्मली या ज़्यादा डीप में जो है ना उसको स्टडी नहीं किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग लैंग्वेज यूज़, मतलब एक्टिविटीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें लैंग्वेज को यूज़ करते हुए तो किस तरह से होगा। एक्टिविटीज़ मतलब चार तरह की एक्टिविटीज़, ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो इनमें से जो दो स्किल्स हैं या दो एक्टिविटीज़ हैं वो रिसेप्टिव हैं एंड दो प्रोडक्टिव हैं। रिसेप्टिव से मुराद है जिनके अंदर इनपुट हो, ठीक है, रिसेप्टिव में आती हैं रीडिंग और लिसनिंग, जबकि प्रोडक्टिव में जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हों तो राइटिंग और स्पीकिंग। तो रिटन मॉडल के अंदर क्या चीज़ होगी, रिसेप्टिव स्किल होगी रीडिंग और प्रोडक्टिव स्किल होगी राइटिंग। जबकि ओरल मोड यानी कि सिर्फ बोलने की हद तक अगर हम बात करें तो रिसेप्टिव स्किल होगी लिसनिंग और प्रोडक्टिव स्किल होगी स्पीकिंग। तो रिसेप्टिव स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है इन एकेडमिक पर्पस, जबकि प्रोडक्टिव स्किल्स पे ज़्यादा फोकस होता है इन इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। तो ये जो है ना मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि वी हैड टू टॉक फ्रॉम पेज 133 टू 137 एंड वी आर डन विद इट। आई होप आप लोगों का समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो नहीं भी आया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। और इन वीडियो के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके इन नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा। फॉर अ हैप्पी एंड ऑनलाइन रीडिंग, बेस्ट ऑफ लक।